नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन की। ये जो चैप्टर है हमारा 5 वाला चैप्टर है, जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था किताब से लिया गया है। इस चैप्टर के अंदर ढेर सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बची हुई है उनको हम करने में लगे हुए हैं। तो आज हम लोहा आदि चीज़ें पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखने वाले हैं कोयला। क्या देखने वाले हैं? कोयला। तो कोयले की ढेर सारी महत्वपूर्ण बातें होती है, हम एक एक चीज़ को समझेंगे। कोयला उतना इम्पोर्टेंट है जितना लोहा इम्पोर्टेंट था खनिजों में, ठीक उससे या उसके बराबर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पर जो अपना नेक्स्ट लेवल रखता है वो है कोयला। तो कोयला जो है वो ऊर्जा संसाधन है, जबकि लोहा जो है वो खनिज संसाधन था, यानी वो खनिज था प्रॉपर रूप से, और ये ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? ऊर्जा का। तो आज हम कोयले के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार लोहे के 4 भाग होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, वैसे ही कोयले के भी प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिन्स हो गया, लिग्नाइट हो गया, पिट हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है ये भी। तो इसकी बेसिक चीज़ें देखते हुए हम समझेंगे कि ये कहाँ मिलता है, किस रूप में मिलता है, कितना शुद्ध होता है और कितना शुद्ध नहीं होता है। तो कोयले को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि कोयला जो है वो ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप। तो ये ऊर्जा होती क्या है? सबसे पहले ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा एक संसाधन है। ऊर्जा एक क्या है? संसाधन। और ये हमेशा दो रूपों में देखने को मिलती है। कितने रूपों में देखने को मिलती है? दो रूपों में, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। कैसी मिलती है? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत तो वो होती है जो प्राचीन समय से चले आ रहे हमारे जो ऊर्जा के साधन हैं या संसाधन है जो हमें मिल जाते हैं। जैसे पेट्रोल, क्या आज हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। प्राकृतिक गैस, क्या उसको आज हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन गैर परंपरागत यानी कि प्राचीन समय से नहीं चले आ रहे हैं, हमने अभी अभी बनाए हैं, कुछ समय पहले बनाए हैं, जैसे भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन चक्की वाली टर्बाइन वाली ऊर्जा, तो कुछ चीज़ें हम बना रहे हैं जो संसाधन होते हैं, तो वो आ जाती है गैर परंपरागत में। अब कुछ चीज़ें दोबारा काम में ली जा सकती है, तो वो नवीकरणीय संसाधन है, यानी उनको जैसे प्लास्टिक है उसे दोबारा काम में लिया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें दोबारा काम में ली जा सकती है तो वो नवीकरणीय। लेकिन पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, क्या इनको हम दोबारा काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसलिए ये अनवीकरणीय है। कैसी है भाई? अनवीकरणीय। और ऐसे ही ऊर्जा संसाधनों की आज हम बात करने वाले। तो ऊर्जा संसाधनों में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोयला। क्या है भाई? कोयला। कोयला जो है उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है, लेकिन हम एक बेसिक चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण जो ऊर्जा होती है उसका 54% हिस्सा, भारत में जितनी भी ऊर्जा है उसका 54% हिस्सा जो है अकेला कोयले के पास है। किसके पास है? कोयले के पास 54% ऊर्जा। कोयला जो है दो प्रकार की चट्टानों से मिलता है। कितनी प्रकार की चट्टानों से मिलता है कोयला? कोयला जो है इन चट्टानों से मिलता है, दो चट्टानों से मिलता है, जिसमें पहली जो इसकी चट्टान होती है वो होती है गोंडवाना। कौन सी होती है भाई? गोंडवाना, या इसको गोंडवाना भी हम कह सकते हैं। दूसरा जो रूप होता है वो होता है टर्सियरी। कौन सा होता है भाई? टर्सियरी। इन दो चट्टानों से कोयला जो है वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है। इन गोंडवाना से जो कोयला मिलता है वो लगभग भारत में यही मिलता है, तो ये 99.05%, और ये जो टर्सियरी है ये मात्र 0.05% मिलता है। तो ये इसका प्रतिशत हो गया। अब इसके समय की अगर बात करें, कोयला जो है इसका समय क्या है, किस टाइम पीरियड में ये बनना शुरू हो गया था? तो दो समय आता है हमारे पास, एक तो आता है कार्बो नी फेरस, ये टाइम पीरियड है, जैसे वैदिक युग होता है, सिंधु घाटी सभ्यता होती है इतिहास के अंदर, उसी प्रकार से मौर्य युग होता है, गुप्तों का युग होता है, ठीक उसी प्रकार से भूगोल का भी एक समय होता है, जैसे एलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया, आर्कियन हो गया, तो ये समय होता है। तो कार्बोनिफेरस में ये कोयला बना था। दूसरा एक और नाम आता है पार्मियन युग। कौन सा आता है?
पार्मियन युग, यानी ये दोनों चीजें मैंने जो आपको लगाई है लिखाई है, ये दोनों समय है। क्या है? समय। तो कोयला इस समय में बना, पहले तो ये याद रखें कि कार्बोनिफेरस और पार्मियन जो समय चल रहा था भूगोल में, उस समय कोयला बनाना शुरू हो जाता है। दूसरा, शेल या चट्टाने या पत्थर, या राजस्थान वाले कहते हैं भाटे, है ना, तो क्या कौन से पत्थरों में मिलता है ये? तो गोंडवाना प्रकार के पत्थरों में और टर्सियरी पत्थरों में। अब ये जो टर्सियरी जो है, ये आप देखेंगे अभी कुछ देर बाद हम एक डायग्राम देखेंगे, टर्सियरी जो है इसके अंदर आपका मेघालय, इसके अंदर आपका असम, जम्मू कश्मीर आदि कई क्षेत्र आएंगे, यानी चार राज्य आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे? सिर्फ चार स्टेट में ही मिलता है कौन सा? टर्सियरी कोयला। जबकि गोंडवाना जो है ये नदियों के दोनों तरफ मिलता है, इसलिए नदी घाटी क्षेत्रों में मिलता है। इसके अंदर हम दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो गया, सोन नदी घाटी क्षेत्र हो गया, कई नदियों के जो क्षेत्र होते हैं, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र हो गया। तो गोंडवाना प्रकार का जो है वो नदियों के आसपास मिलता है, जबकि टर्सियरी प्रॉपर राज्यों के बीचों बीच मेन सेंटर पे भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोयला रूप के आधार पर, किसके आधार पर? रूप के आधार पर दो प्रकार का हो गया, एक तो गोंडवाना और एक टर्सियरी। लेकिन समय के आधार पर, तो रूप के आधार पर हमने देख लिया, लेकिन गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का, जो हम डिटेल से अभी देखने वाले हैं, एंथ्रेसाइट, लिंगनाइट, बिटुमिन्स और पिट। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 80-95% होती है, यानी 80-95% तक क्या होता है उसमें? कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि कोयला जलता है। कोयला क्या करता है? जलता है, क्योंकि कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है, और इस कार्बन से ही जलता है। कोयले में कार्बन के अलावा ढेर सारी और चीजें होती है, इसके अंदर सल्फर भी होता है, सल्फर, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो भी होती है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब कुछ कोयले के अंदर होता है, इसी के कारण ये जल पाता है, लेकिन मोस्टली कोयले के अंदर कार्बन होता है। जैसे हम कोयला पढ़ना शुरू कर ही दिया हमने, लेकिन इसके प्रकारों को जब पढ़ेंगे हम गुणों के आधार, तो एंथ्रेसाइट जब हम पढ़ेंगे, जब हम कहेंगे कि 80-95% क्या मिलता है इसमें? कोयला मिलता है। उसे आगे वाला जैसे हम पढ़ेंगे उसमें भी प्रतिशत को देखेंगे, उसके बाद हम लिग्नाइट वगैरह, बिटुमिन्स वगैरह, पिट वगैरह को पढ़ेंगे, तो सब में एक प्रतिशत रेशो देखेंगे कि इसमें कार्बन कितना होता है। जिसमें जितना कार्बन होगा वो कोयला उतना ही ज्यादा जलेगा। तो और कोयले की क्या खास बात है? कोयला जो है मोस्टली काला रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला रंग का। लेकिन इसके चार प्रकार जो देखेंगे उसमें लास्ट में एक पिट कोयला होगा। कौन सा होगा? पिट। तो पिट जो कोयला होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। तो कोयले का रंग मोस्टली मैं दो बता सकता हूं आपको, और वो दोनों रंग है काला और भूरा। यानी ये कोयले की बेसिक बातें कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? और इन बेसिक बातों से ही कोयला समझ में आने वाला है। क्या बताया मैंने कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन में है कोयला, और कोयला जो है वो कार्बन के कारण जलता है। कोयले में कार्बन के अलावा और सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है। कोयले के समय की अगर बात करें तो कार्बोनिफेरस समय में और पार्मियन समय में कोयला मिला, यह हमें बात समझ में आ गई। लेकिन इसके चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना और टर्सियरी चट्टानों से मिलता है मोस्टली। सबसे बड़ी बात यह है कि 99.05% गोंडवाना से और 0.05% टर्सियरी से मिलता है। टर्सियरी मेघालय, असम, जम्मू जैसे राज्यों में देखने को मिलती है, जबकि गोंडवाना प्रकार का जो कोयला है वो नदियों के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ये कोयले जो काला रंग कोयले का होता है, एक बार पूछा गया एग्जाम में कि क्या कोयले को हाथ में लेने से हाथों के काला कलर लग जाता है? बिल्कुल ही नहीं लगता, इसका रंग काला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लग जाए, वो एक कोयला जो हम लकड़ी से बनाते हैं वो अलग होता है, वो उससे हाथ काले हो जाते हैं वो भी काला होता है, लेकिन ये कोयला अलग होता है। घरों में जो लकड़ी से बनाए जाते हैं वो कोयले नहीं होते हैं, लेकिन पिट कोयला जो है उसमें लकड़ी के अवशेष ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बीच बीच में जो मैं पिट बोल रहा हूँ, एंथ्रेसाइट बोल रहा हूँ, लिग्नाइट बोल रहा हूँ, बिटुमिन्स बोल रहा हूँ, ये क्या है?
ये वही है जिस प्रकार लोहे के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और जो है सिडेराइट जैसे गुण पाए जाते थे, उसके रूप पाए जाते थे चार। जैसे लोहे के चार रूप होते हैं, वैसे ही कोयले के चार रूप होते हैं। क्यों सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, बार बार लोहे से इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे खनिजों में लोहा सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही ऊर्जा संसाधनों में कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। और जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और इन एक एक चीज को और डिटेल से देखते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? पावर होती है। एक तो वो ऊर्जा जो हमारे पूर्वज भी काम में लेते थे और आज हम भी काम में लेते हैं, यानी वो परंपरागत रूप से चली आ रही है। एक तो वो ऊर्जा या वो ऊर्जा के साधन जो हमारे पूर्वज भी काम में लेते थे और हम भी काम में लेते हैं, वो होती है परंपरागत। वो क्या होती है भाई? परंपरागत। उदाहरण क्या है? कोयला क्या आज बना है? कतई नहीं बना। पेट्रोल क्या कल का बच्चा है? कभी भी नहीं था। प्राकृतिक गैस क्या अभी 7 दिन पहले पैदा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ, बहुत पुराना है। परमाणु ऊर्जा जो है और जल ऊर्जा जो है, ये तो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और ये प्रकृति ने ही तो दिए हैं। क्या इनको मानव ने बनाया, मुझे बताओ आप? नहीं बनाया ना, तो मानव ने नहीं बनाया, ये तो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, परंपरागत है और प्रकृति से दिए हुए हैं। लेकिन आजकल मानव बनाने लग गया, अभी अभी कुछ सालों पहले बनाने लग गया, इसलिए वो परंपरागत नहीं है। और मैंने कहा कि गैर का मतलब आर्ट्स में अधिकतर होता है नहीं। तो जो परंपरागत नहीं है, जो अभी अभी बने हैं, उनमें बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, इन एक एक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हम कोयला डिटेल से पढ़ रहे हैं, फिर हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हो सर ये फिर लेक्चर कितने आने वाले हैं इस चैप्टर के? 2 या 3 लास्ट आएंगे, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं बाकी सब। इसमें कोयला और कोयला जितना बड़ा है, पेट्रोल और प्राकृतिक दोनों उतने ही है, ठीक है ना, बाकी छोटे छोटे एक लेक्चर के। तो कोयला काफी बड़ा है, पूरे लेक्चर में हम कोयला ही पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक ऊर्जा की बात देख रहे हैं अभी हम। तो देखो, जैसे यहां परंपरागत समय से कोयला चला आ रहा था, प्राकृतिक गैस सिलेंडर वगैरह, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्राकृतिक समय से चले आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अभी अभी कुछ समय पहले मानव ने बना लिए। ये तो सब बने हुए थे प्रकृति से, ये मानव ने बनाए। बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, पैनल लगते हैं ना छत के ऊपर, सूर्य की किरणें लेते हैं और लाइट बना देते हैं, सौर ऊर्जा होती है, ठीक है। तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इनको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको यहाँ अटका के नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये चैप्टर हमें पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। इस लेक्चर को आगे देखिए। उपयुक्त ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बांटा जा सकता है। देखो, पहले हमने देखा वो पुराने जो परंपरागत हैं, वो जो नए बने हैं वो गैर परंपरागत हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तो वो संसाधन जो दोबारा काम में लिए जा सकते हैं और एक वो संसाधन जो दोबारा काम में नहीं लिए जा सकते हैं। जो दोबारा काम में नहीं लिए जा सकते वो अनवीकरणीय है, और जिनको दोबारा काम में लिया जा सकता है वो नवीकरणीय है, यानी नवकरणीय है, यानी उन्हें दोबारा काम में लिया जा सकता है। क्या आपने कभी देखा कि सांसद बाइक लेके जा रहे थे और पेट्रोल जो है उसके धुआं जो है पेट्रोल का वो निकल रहा है, और पीछे से उसकी एक पॉलीथीन लगा दी और जो धुआं है उससे वापस पेट्रोल बना लिया? नहीं हुआ ना ऐसा? नहीं होता है, क्योंकि परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन होते हैं अधिकतर वो दोबारा काम में नहीं आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा काम में लिया जा सकता है, वो नवकरणीय है, और जो नहीं लिए जा सकते हैं वो अनवकरणीय है। अब इसको पढ़ लेते हैं बस। देखो, अनवीकरणीय कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत, ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी उपलब्धता सीमित है, जो सीमित है भाई, खत्म कर दिया मतलब खत्म है, इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा, दोबारा उपयोग इनका नहीं किया जा सकता। उदाहरण में कोयला जल गया मतलब जल गया, मामला खत्म। पेट्रोल जल गया मतलब जल गया, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस खत्म, सब कुछ खत्म, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा खत्म, एक बार बम ब्लास्ट कर दिया, क्या बारूद इकट्ठा करके लाओगे वापस? फटाका छोड़ते हो, छूट गया, क्या दोबारा बारूद काम आता है? नहीं आता ना, दीपावली पे छोड़ते हो परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये चारों पांचों चीजें ऐसी होती है जो दोबारा काम में नहीं ली जा सकती, जबकि वो चीजें जो दोबारा काम में ली जा सकती है, ये
ऊर्जा के ऊर्जा स्रोत, ये वे ऊर्जा स्रोत है जिनका पुनः उपयोग अथवा 100% उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पानी को ऊपर से गिराया और जल की बिजली बनाई, और क्या दोबारा उस पानी से बिजली नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए नवकरणीय है। सौर ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा जो है, जल विद्युत जो है, जवारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और समुद्रीय तापी भूतापी, यानी आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर तो जितनी भी चीजें आ रही है वो परंपरागत आ रही है। कैसी आ रही है? परंपरागत। और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो गैर परंपरागत है। कैसी है भाई? गैर परंपरागत। इतनी सी बात है, ये तो हमें आए जानी चाहिए, ये कुछ बेसिक बातें। और अब श्रीमान हमारे सामने आए हैं कोयला राम जी, जिसकी बेसिक बातें हमने कर ली थी। कोयला किस में आता है? ऊर्जा में। ऊर्जा क्या होती है? जो एक पावर का काम करती है, लाइटिंग की तरह काम करती है। कैसे काम करती है, कितने रूप की होती है ऊर्जा? दो प्रकार की, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। फिर दो प्रकार की, नवकरणीय और अनवकरणीय। ऊर्जा का मुख्य कौन है? तो कोयला। ऊर्जा का मुख्य कौन है? कोयला। अब कोयले के बारे में बड़ी मस्ती से पढ़ो, क्योंकि बेसिक सीख लिया ना आपने, आसानी से ये चुटकियों में याद होने वाला है कोयला, है ना। कमर कस के बैठ जा, है ना। भारत में कोयला शक्ति का सबसे प्रमुख साधन है, यानी पावर का कोई है, इसकी टक्कर का दूसरा कोई ना है, तो वो कोयला है। भले काला दिखता हो, लेकिन कारनामे ऐसे ऐसे करता है कि खतरनाक वाले। कोयला सबसे प्रमुख है। भारत का कुल जो बिजली या विद्युत उत्पादन है उसमें कोयला 54% है। तो कभी कभी मैं यूं कह देता हूं, अगर कोयला नहीं होता तो भारत तेरा क्या होता। 54% जो है विद्युत कौन? कोयला उत्पादित करता है। कितनी? 54%। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है ना। भारत के कुल संचित भंडार का लगभग, यानी भारत में जितना कोयला है उसका 99.5% कोयला जो है वो गोंडवाना संरचना का है, यानी इन पत्रों से मिलता है। पढ़ के आए ना अभी थोड़ी देर पहले हम, कि 99.5% कहां से मिल रहा है? गोंडवाना से। जबकि दूसरा वाला याद करो, टर्सियरी 0.05 क्या लिखा है, शेष देखो 0.05% कोयला टर्सियरी काल का है। किस काल का है? टर्सियरी काल का। सर आपने पॉइंट छोड़ दिया, तो इसी को भी तो याद करना है। ये भी हम याद कर चुके हैं कि कोयला जो है उसका समय जो है, इसका निर्माण जो है वो कार्बोनी फेरस युग में हुआ, दूसरा पार्मियन या परमियन युग में हुआ। ये जो तीन चार लाइन आपको दिख रही है ये चुटकियों में याद होनी चाहिए। यूं फटाफट से कोई भी पूछे रात को नींद में से जगा, भाई साहब कोयला बताओ, अरे किस कोयले की बात कर रहे हो? वो जो भारत में मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, विद्युत सारी उससे ही चलती है। अरे भाई साहब 54% विद्युत उससे चलती है। किससे चलती है? 54% विद्युत उस पर निर्भर है, यानी कोयले पर निर्भर है। ये तो कार्बोनी फेरस युग में बनना शुरू हो गया था, ये तो पार्मियन के टाइम में, उस समय में कार्बोनी फेरस और पार्मियन समय में बनना शुरू हो गया था। और तो और सुनो, ये गोंडवाना चट्टानों से भी मिलता है और ये टर्सियरी से मिलता है, लेकिन गोंडवाना से 99.5% मिलता है, जबकि टर्सियरी से तो नाम मात्र का 0.05% ही मिलता है। आगे देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बताया नदियों के आसपास होता होगा, और टर्सियरी जो है इन राज्यों में होगा। राज्यों में मैंने बताया आपको, असम आएगा सबसे पहले, मेघालय आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा और अरुणाचल प्रदेश आएगा। अब गोंडवाना कहां कहां मिलता है? गोंडवाना नदी के पास मिलेगा, तो दामोदर नदी है या नहीं है? बिल्कुल है। सोन नदी है या नहीं है? बिल्कुल है। महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र गोंडवाना का है। किसका है? गोंडवाना का। आप एक बात को पक्का याद रखें, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड, पहली बात। दूसरा इसके बाद आता है ओडिशा, ओडिशा जिसको उड़ीसा भी कहते हैं, और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। कौन आता है? छत्तीसगढ़। देखो सबसे ज्यादा संचित भंडार तो यहाँ है, लेकिन निकलता ज्यादा यहाँ है, क्योंकि ये लोग जो है उसको निकालने में लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो ये तीन क्षेत्र आपको याद रखना है, ये कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है, पढ़ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है, ये तीनों लिख दीजिए, ताकि पता चले कि आपको ये याद हो चुके हैं। एक नंबर पक्का है, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आगे देखिए, टर्सियरी कोयला याद करो मेरे साथ।
टर्शियरी कोयला में कुछ भी नहीं करना है, मेघालय, असम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर 0.05% टर्शियरी कोयला है। जम्मू बोल लाडले, असम बोल, अरुणाचल प्रदेश बोल, और सीधा आ जाओ किस पे, सिर्फ एक बचा है हमारा मेघालय। मेघालय अरुणा जम्मू और असम, मेघालय अरुणा जम्मू और असम। देखो ये रहा टर्शियरी आपका वो गोडवाना था। टर्शियरी मेघालय में मिलता है, असम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और जम्मू में मिलता है। अब मेघालय में कहाँ मिलता है? दारंगगिरी, चेरापुंजी, लेत रिंग्यू, मायो लोंग और लोंगरिन क्षेत्र में मिलता है। ज़्यादा याद नहीं होता है तो चेरापुंजी याद कर लो, क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में? चेरापुंजी स्थान पर होती है। मेघालय में मेघ यानी बादल, आले मतलब घर, बादलों का घर है मेघालय खुद, और यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ कोयला भी ज़्यादा है। बारिश का कोयले से कोई लेना देना नहीं है, ये मत सोचना आप, है ना। तो टर्शियरी जो है आपको मोस्टली चेरापुंजी मेघालय में मिलेगा। असम में कहाँ मिलता है? हुकम करो साहब, असम में माकुम में मिलता है, जयपुर में मिलता है और नजीरा क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? नजीरा क्षेत्र में मिलता है। माकुम में मिलता है, जयपुर में मिलता है और नजीरा क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? नजीरा क्षेत्र में, ठीक है ना। थोड़ा बद्दा बद्दा लग जाता है ऐसे करना, वहां तो गोल करना जरूरी है, आप भी इसको गोल ही करें। क्यों? क्योंकि फटाफट से चेरापुंजी याद हो जाएगा, माओलोंग भी याद हो जाता है, माओलोंग लांगरीन ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है ना। असम में कहाँ? माकुम। अब एक जयपुर राजस्थान में भी है, ये वो जयपुर नहीं है, ये असम का जयपुर है। तो माकुम, जयपुर और नजीरा कहाँ के हैं? असम के क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश में नापचिक स्थान पर मिलता है, नाम रुक पे मिलता है और डिंग रांक पे मिलता है ना। नाम याद रखना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, टर्शियरी कोयला, नाम से शुरू हो रहे हैं दो नाम, तो नामचिक नाम रुक, नामचिक नाम रुक, नामचिक नाम रुक, ऐसे याद रखना है ना। और डिंग राग क्या याद रखना है? डिंग राग जो डाफला पहाड़ी क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर में तो काला कोट वाले वकील ही चाहिए, इसलिए काला कोट जम्मू कश्मीर का। तो चेरापुंजी मेघालय का याद हो गया आपको, काला कोट जम्मू का याद हो गया, है ना। नाम, नाम से किसको याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश को। और हुकम करो असम वालू, तो माकुम याद हो जाता है असम का। तो ये टर्शियरी है वो गोडवाना है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? कोयला इंटरेस्टिंग है या नहीं है? पक्का है। आगे देखिए, कोयले का प्रमुख प्रकार चार होते हैं भाई। कितने प्रकार का होता है कोयला? चार प्रकार का, ठीक है ना। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा कौन है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम है। कैसा है भाई? सर्वोत्तम। दूसरा, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम होने के साथ साथ इसमें 80 से 95%, कितना भाई? 80 से 95% इसमें कार्बन है। क्या है इसमें? कार्बन है। और इसकी क्या खास बात है? ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर के रियांसी जिले में मिलता है। जम्मू कश्मीर के, तो मैंने लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है रियांसी। क्या नाम है भाई? रियांसी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये तीन ही बातें महत्वपूर्ण है एंथ्रेसाइट की। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे महत्वपूर्ण कोयला है। मैग्नेटाइट जो लोहा है वो सबसे महत्वपूर्ण लोहा है। वैसे ही कोयले में जो एंथ्रासाइट कोयला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। लिग्नाइट कोयला भी तीन नंबर पे हम देखेंगे, वो सबसे घटिया कोयला है। वैसे ही लोहा जब हम पढ़ रहे थे, जब हम कह रहे थे कि जो सबसे लास्ट वाला सीडेराइट जो लोहा था वो सबसे घटिया लोहा था। और जिन बच्चों को ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि दो चीजों को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, एक साथ बॉन्ड कर रहे हैं, जोड़ कर पढ़ रहे हैं, वो चीजें समझ में आने लग जाती है, तो ज्योग्राफी में 100 में से 16 से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, मैंने आपको पहले ही लिखा दिया। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% है। आगे हम देखेंगे तो कुछ 42-43 से लेकर 72-73 तक होगी, अगले में प्रतिशत तक होती है। इस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियांसी जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के रियांसी जिले में। आगे देखिए, ये एंथ्रेसाइट पढ़ने के बाद क्या पढ़ा हमने? एंथ्रेसाइट ए के बाद क्या आता है? बी आता है। एंथ्रेसाइट पढ़ने के बाद
विटामिन्स की बारी आ जाती है। विटामिन्स बोलता है कि मैं इतना महत्वपूर्ण तो नहीं हूँ जितना एंथ्रासाइट है, क्योंकि उसके पास तो 80 से लेकर 95 ब्रांड में तक कार्बन पड़ा है उसके पास, मेरे पास तो 42 से लेकर 72-73 तक ही कार्बन है, 47 से लेकर 72 तक है, कभी कभी 42 ही आ जाता है मेरे अंदर, कभी कभी और कम चला जाता है, लेकिन मैं ये रेशो बना के रखता हूँ मेरे पास कितना है, 42 नहीं होकर 47.72 जो है प्रतिशत है कार्बन का, क्या है ये प्रतिशत है कार्बन का प्रतिशत, ठीक है ना। अधिकतर कोयला इस श्रेणी का है, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई कोयला है तो ये काला काला कोयला जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपके सामने बिटुमिन्स कोयला है, और अपना बिट्टू अपने पास सबसे ज्यादा है, अपने पास सबसे ज्यादा क्या है, अपना बिट्टू है, क्या है बिट्टू, जबकि अच्छा कौन सा होता है, एंथ्रासाइट है, और वो तो एक ही जगह मिलता है सिर्फ जम्मू में, कौन से जिले में, रियांसी जिले में, सर्वोत्तम है तो जम्मू के रियांसी जिले में मिलता है। जम्मू कश्मीर के जो कालाकोट क्षेत्र है वहां कौन सा मिलता है, टर्सियरी मिलता है भाई साहब, अभी तो पड़ गया है। मेघालय के चेरापुंजी में कौन सा मिलता है, टर्सियरी मिलता है। असम के माकूम में कौन सा मिलता है, टर्सियरी मिलता है। तो ऐसे ही इसको याद रखना है, नाम रूप डिकचाक ये सब किस में आ रहे थे, अरुणाचल प्रदेश में आ रहे थे, तो ये बहुत टर्सियरी था, गोडवाना में भी मिलते हैं। तो बिटुमिन्स जो है भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, और ये मध्यम श्रेणी का है, ना तो घटिया है और ना अच्छा है, एक इक्वल लेवल लेके चलता है। कौन सा कोयला, बिटुमिन्स, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आगे देखिए, इसके बाद जो कोयला हम देख रहे हैं वो है लिग्नाइट। कौन सा है, लिग्नाइट। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम है, अच्छा कार्बन पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के रियांसी में पाया जाता है, बिटुमिन्स कोयला दो नंबर पे था जिसमें 47 से लेकर 72-73 तक कार्बन होता है, ये मध्यम श्रेणी का है, किस श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का है, और भारत में अधिकतर यही मिलता है। और तीन नंबर पे हम देख रहे हैं लिग्नाइट, यानी हम एबीएल की तरफ बढ़ रहे हैं, ए पढ़ चुके हैं, बी पढ़ चुके हैं और एल पढ़ने में लगे हुए हैं। लिग्नाइट के बाद जो आता है वो पिट आता है, इसलिए हम सोचते हैं कि पिट ही सबसे घटिया है, लेकिन नहीं साहब, पिट तो मध्यम क्वालिटी का है, सबसे घटिया तो एल यानी कि लिग्नाइट ही है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, जबकि सबसे घटिया तीन नंबर वाला है, ना कि फोर नंबर वाला। कंफ्यूजन नहीं लेके जाना है मेरे बच्चे, क्या करना है, ए फोर एंथ्रासाइट, बी फोर बिटुमिन्स और एल फोर लिग्नाइट सबसे घटिया है। और पिट जो हम पढ़ेंगे उसमें तो लकड़ी के अवशेष तक मिलते हैं और वो ठीक है, पिट जो है इन तीनों को बनाने का काम भी करता है, तो एक मध्यम लेवल लेके चलता है, लेकिन मध्यम श्रेणी का कौन सा था, ये सबसे अच्छा कौन सा था, ये सबसे घटिया कौन सा, ये, और ये जो होता है इन तीनों को बनाने का कार्य करता है पिट, जो आगे हम पढ़ने वाले। ये निम्न श्रेणी का कोयला है, इसका रंग भूरा होता है, निम्न श्रेणी का, देखो लिखा है निम्न यानी सबसे कम, अच्छी क्वालिटी है ही नहीं इसमें, इसका रंग भूरा होता है। अब अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा तो ज्यादा काला दिखेगा, बाकी देखो कितने काले दिख रहे थे, ये थोड़ा तो भूरा दिखाई देता है ना, ठीक है ना। इसमें कार्बन की मात्रा देखो कितनी कम है, 30 से 50, देखो अब उल्टा बोलना है, अगर लिग्नाइट बोला जाए तो कार्बन 30 से 50, अगर लिग्नाइट नहीं बोलकर मैं इसके पहले जो हमने पढ़ा बिटुमिन्स बोलूं जो भारत में सबसे ज्यादा है तो 47 से 72, और मैं एंथ्रेसाइट बोल दूं तो 80 से 95, 47 से 72 और 30 से 50, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये भूरा कोयला है। अब सबसे घटिया है, कलर भी भूरा है, फिर भी इसके क्षेत्र बहुत से हैं, बहुत जगह मिलता है, लेकिन काम का ही नहीं है हमारे, क्या करें। भारत में लिग्नाइट मुख्यतः टर्सियरी चट्टानों से मिलता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलता है, भारत का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें देखने को मिलता है, भारत के दक्षिण पश्चिम भागों में भी पाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार इस पे नजर डाल लेना, टर्सियरी युग में मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो लिग्नाइट का, पहले कौन सा एंथ्रासाइट पढ़ा हमने, फिर कौन सा बिटुमिन्स पढ़ा, फिर कौन सा लिग्नाइट पढ़ा, और अब बहुत ही प्यारा सा भोला सा सुस्त सा बच्चा जो हमारे सामने आता है उसको मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे अलग से ही, ये लिग्नाइट है, आप अलग से ऐड कर लेना इसको, ये है पिट, कौन सा है भाई पिट, ये चार नंबर पे, और इसकी एक ही बात है, ये लकड़ी इसमें क्या लिखना है, इसमें लकड़ी के अवशेष
मिलते हैं, लकड़ी के अवशेष मिलते हैं, और ये भी कुछ कुछ मध्यम श्रेणी का है। तो चार कोयले हो गए। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको चार कोयले याद नहीं है। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है ए बी एल पी, बस और कुछ नहीं लिखना है। ए बी एल पी, क्या लिखना है? ए बी एल पी। ऐसे लोहे को अगर हम ऐसे याद करें तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिटेराइट और सिडेराइट। तो एम एच एल एस, एम एच एल एस, ये तो हुआ आपका लोहे का चार रूप। किसका भाई? लोहा जो है उसके चार रूप। और ये जो है आपका कोयला, शाहरुख खान वाली मूवी नहीं है, कोयला है ना, इसका कौन सा है? ए बी एल पी, ठीक है ना। ये इतना प्यारा बन गया ट्रिक, बना कि नहीं बना? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एक एक नंबर के सवाल ये भी आ सकते हैं। निबंधात्मक सवाल तो डेफिनेटली आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर ये नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं आएगा इस साल बोर्ड का, है ना, है ना। अब अगर नहीं आया, इतना बड़ा कमिटमेंट मैंने कर दिया, अब नहीं आया तो आधे पीछे टेबल पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने का, हमारी तो जिंदगी खराब कर दी। आएगा आएगा, आया ही नहीं, पक्का आएगा मैं कह देता हूँ आपको, ठीक है ना। लिख लो भला आप साइड में कि सर ने श्योरिटी और गारंटी दी थी इसकी कि आएगा पक्का। कोयला और लोहा दोनों पूछे जाते हैं, कभी कभी अथवा में पूछे जाते हैं, कभी कभी अलग पूछे जाते हैं, आगे देखिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के टर्सरी काल की चट्टानें भी मिलती हैं। भारत के प्रमुख लिग्नाइट खनन जो है वो इस प्रकार से भारत में यहाँ मिलता है कोयला। नेये वैली जो तमिलनाडु में है, पलाना बीकानेर राजस्थान का क्षेत्र, ये मेरा देखा हुआ है, यहाँ भी कोयला निकलता है। तो नेये वैली कहाँ है? तमिलनाडु में है। पलाना कहाँ है? बीकानेर के राजस्थान में है। लखीम, लखवीर सिंह लखा नहीं है, ये क्या है? लखीमपुर है जो असम, कहाँ है भाई? असम में है। तो फिर बताओ चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है भाई साहब। तो फिर बताओ माकूम कहाँ है? असम में है, है या नहीं है? तो कुछ चीजें ऐसे याद रख लेते हैं ना, नामचिक डिंगचिक राम नाम रूप ऐसे कुछ भी पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश में। रियांसी जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो कोयले की बहुत सी चीजें आप याद कर चुके हैं। करेवा क्षेत्र कश्मीर में है, उमर सर गुजरात में है। कुल लिग्नाइट भंडार का 79% तमिलनाडु में पाया जाता है। कौन सा कोयला? सिर्फ और सिर्फ लिग्नाइट, इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा क्या? लिग्नाइट, ठीक है ना। ए बी एल पी, ए बी एल पी, ए बी एल पी, कमेंट बॉक्स में डांस मचा देना है, ठीक है ना। आगे देखिए, पिट, ये वहां आना चाहिए था लेकिन यहाँ आया है क्योंकि भटक गया था रास्ते से, इसको आना कहीं और था, आया कहीं और है, हम वहाँ भी लिखा चुके हैं, ये उसी का पार्ट है, बीच में वो कुछ डिटेल्स आ गई थी। पिट, पिट जो है ये कोयला बनने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती अवस्था है, इसमें लकड़ी के अंश स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। मैं आपको चारों कोयले के रूप बता चुका हूँ, और ये पिट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कोयले के संचित भंडार, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जाऊच क्या है भाई? जाऊच झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला। अब जज्बात बदल देंगे, हालात बदल देंगे, अगले दो मिनट में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि यहां तो कोयला है ज्यादा, यहां तो क्या है? कोयला है ज्यादा, इसका मतलब संचित भंडार है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एक तो वो है जहां कोयला है ज्यादा, वो तो होते हैं संचित भंडार, और ऐसा प्रत्येक खनिज में होता है भाई। एक तो संचित भंडार यानी जहां वस्तुएं पड़ी है, खनिज पड़े हैं, वो तो संचित भंडार है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे कम खनिज या कम ऊर्जा संसाधन होते हुए भी निकाला ज्यादा जाता है, वो उत्पादन ज्यादा कर लेते हैं, जितना है उसको निकाल लेते हैं पूरे को, या फिर निकालने में लगे रहते हैं, वो उत्पादन में एक नंबर पे होते हैं, और जिनके पास पड़ा है वो सिंचित में ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर कोयले में ये पूछे कि सिंचित भंडार में पहले, तो झारखंड छत्तीसगढ़ तीन नंबर पे आ रहा है यहां, जो कि उत्पादन करने में नंबर एक पे आ जाता है। कैसे कह सकते हैं हम ये लिखा हुआ साहब, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ एक नंबर पे है, जो उड़ीसा वहां दो नंबर पे था, यहां भी दो नंबर पे है, जो श्रीमान झारखंड जी एक नंबर पे बैठे थे, दिया धोबी पचाड़ इस छत्तीसगढ़ ने और ला दिया इसको तीन नंबर पे, एमपी और तेलंगाना आपको साथ याद करना। बताओ मुझे की बात है यानी, तो ये कुछ क्षेत्र थे हमारे कोयले से संबंधित। अरे इतना आसान टॉपिक,
इतना मजेदार ज्योग्राफी, फिर भी अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या करें। लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको आपको पक्का ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें अपडेट आती रहती है और कैसी आपकी स्टडी चल रही है बताते रहा करो। मिलते हैं अगले इससे भी ज्यादा शानदार लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।